देश में निर्भया केस जैसा एक और मामला सामने आया है। देश की बेटियों पर फिर से वही दरिंदों का साया मंडराया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में घटी घटना ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की बलात्कार पीड़िता दलित लड़की मनीषा के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की। उन्होंने उसके साथ न केवल सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि उसकी पिटाई कर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मनीषा के न्याय के मांग की आवाज़ उठाते हुए नेशनल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट ने कहा, हमारे देश की बेटी मनीषा के साथ जो रेप हुआ है, जिस तरह की दरिंदगी की गई है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे देशवासियों, आज जिस प्रकार से हाथरस में मनीषा नाम की लड़की के साथ में जो रेप किया गया, जो दरिंदगी की गई, ऐसे दरिंदगों को मेरे देश में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, यह नेशनल लिबर्टी पार्टी का मानना है कि मेरे देश में जो भी बिटिया हो, जो भी बेटी हो, उसे किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में न बांटा जाए। वह बेटी सबकी बेटी है और उसके लिए हम सबको लड़ाई लड़नी है। आज जिस प्रकार से मनीषा नाम की लड़की के साथ रेप किया गया, उसकी गर्दन तोड़ी गई, उसके साथ उसकी जीभ काटी गई है, उस दरिंदगी को देख करके लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अराजकता का माहौल है, उसे देख करके लगता है कि मेरे देश का कोई भी बच्चा अभी सुरक्षित नहीं है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदगों को सख्त से सख्त सजा दें और मेरे पूरे देश में नेशनल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मेरा कहना है कि ऐसे कुकृतियों का हमेशा विरोध किया जाए और मनीषा जैसी लड़की को न्याय मिले, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और आगे सरकार अगर इनको फांसी की सजा नहीं देती है, अगर सरकार इनके साथ न्यायपूर्ण तरीके से न्याय नहीं करती है मनीषा के साथ, तो हम लोग भी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नेशनल अपनी पार्टी हमेशा मजलूमों के साथ और मजबूरों के साथ खड़ी रहेगी समस्त देश में। जय हिंद, जय भारत।